हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राम राम। मैं प्रदेश के मिश्र शनिवार के दिन काले कपड़े पर उसका नाम लिख करके इस मंदिर के सामने उसको दबा दीजिए या रख दीजिए, फिर देखिएगा चमत्कार, उसका हो जाएगा तन मन धन से संपूर्ण वशीकरण। युवक युवती स्त्री पुरुष किसी का भी वशीकरण करना हो तो सबसे आसान प्रक्रिया है आज मां के देखना है। वशीकरण का प्रयोग जब भी करें तो यह ध्यान रखें किसी को हानि या क्षति पहुंचाने की नियत से कदापि इसका दुरुपयोग ना करें। किसी को ब्लैकमेल करने की नियत से, चीट करने की नियत से, किसी को धोखा देने की नियत से इसका दुरुपयोग कदापि न करें। यदि आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं वहां इसका प्रयोग करें, या किसी के आक्षेप को, किसी को बुरे लत से उसको निजात दिलाने के लिए, छुटकारा दिलाने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं, मगर भूल करके भी किसी का अहित नहीं करना है। यदि आपके रिश्तों में वैमनस्यता बढ़ती जा रही है, बात बात पर लड़ाई झगड़े क्राइसिस बढ़ते जा रहे हैं, लगता है मानो रिश्ता टूट जाएगा, ब्रेकअप तक की नौबत आ रही है, तलाक तक की नौबत आ रही है, वहाँ इसका प्रयोग करके अपने रिश्तों को बैलेंस कर सकते हैं। रिश्ता कोई भी हो सकता है, पति पत्नी का रिश्ता हो सकता है, प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता हो सकता है, भाई बहन, पिता पुत्र, इष्ट मित्र, रिश्तेदार, कोई भी रिश्ता हो, किसी को भी जीवन में किसी को भी बस में करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं, मगर दुरुपयोग कदापि नहीं करें। और जब भी आप कोई प्रयोग करें तो यह ध्यान दें कि आपकी एनर्जी बैलेंस है कि नहीं है। यदि आपकी एनर्जी बैलेंस है तो आपको आसानी से किसी प्रयोग में सफलता मिल जाएगी, और यदि एनर्जी बैलेंस नहीं है तो आसानी से आपको सफलता नहीं मिलती है। और यदि आप वशीकरण करा करा के थक गए हैं, आपको लाभ नहीं मिलता है, तो अपने घर बैठे हमारे माध्यम से आप वशीकरण करा सकते हैं, या जीवन से जुड़ी किसी प्रकार की समस्या का समाधान हमारे माध्यम से करा सकते हैं। अपना तुरंत का खींचा फोटो और अगले का फोटो और आप दोनों का नाम हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके उचित मार्गदर्शन करूंगा, और आवश्यकता पड़ने पर अपने भारतीय विद्याओं के माध्यम से आप लोग का समाधान भी करूंगा। आपकी एनर्जी से यह तय हो पाता है कि आपके एनर्जी का लेवल क्या है, किस प्रकार के यंत्र से आपको सफलता मिलेगी। 4.1 डिग्री का प्रयोग करेंगे, 4.2 डिग्री का प्रयोग करेंगे, 4.3 डिग्री का प्रयोग करेंगे, या 15.3 डिग्री का प्रयोग करेंगे, 17.3 डिग्री का प्रयोग करेंगे, या 29.3 डिग्री का प्रयोग करेंगे, या 51.5 डिग्री का प्रयोग करेंगे, यह सब आपकी एनर्जी से ही कन्फर्म हो जाती है। हम चलते हैं प्रयोग विधि पर। क्या करना है आपको, एक काला कपड़ा लेना है, छोटा सा कपड़ा लेना है आपको, सफेद पेपर पर काला स्केच से उसका नाम लिखना है, और तीन लवंग रख लेना है। इसको आपस में फोल्ड करके शनि मंदिर के सामने उसको दबा दीजिए, और फिर भगवान से प्रार्थना करिए कि फला व्यक्ति हमारे बस में हो जाए, या फलाई युवती हमारे बस में हो जाए। ऐसा करके आप चले आइए, फिर देखिएगा चमत्कार, हो जाएगा तन मन धन से संपूर्ण वशीकरण। और साथ में 11.9 डिग्री का प्रबल वशीकरण यंत्र का प्रयोग करके सदैव के लिए वशीकरण कर सकते हैं। धन्यवाद। राम राम।